आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदनलाल खुराना जी की जयंती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और विशेषकर दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए ये किसी भी सात्विक प्रेरणा दिवस से कम नहीं है। 27 वर्ष पूर्व जब मैंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तो श्री मदनलाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री काल में मुझे अपने सार्वजनिक जीवन को शुरू करने का मौका मिला। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। वो कितनी गहराई से और कितनी मेहनत और कर्मठता से दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली के विशेषकर गरीब लोगों के लिए काम किया करते थे। उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता था। उनका दिल दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली को दुनिया का बेहतरीन सबसे शहर बनाने के लिए धड़कता था। ऐसे मदनलाल खुराना जी हम लोगों के बीच में फिज़िकली ना हो लेकिन वो हम लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे और आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं समझता हूँ कि हम सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने आप को उन्हीं की तरह देश के लिए, दिल्ली के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने के लिए इससे जुड़ी हुई नीतियों को लागू करवाने के लिए समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जयंती को दिल्ली के कार्यकर्ता बहुत ही प्रामाणिक ढंग से मनाएंगे और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में गुणात्मक सुधार करेंगे। मदनलाल खुराना जी को दिल्ली के नींव रखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो आज हम देख पा रहे हैं वो ऊप सारा उन्होंने ही रखा था। आज भी मैं पूरे दावे के साथ किसी भी फोरम पर डिबेट कर सकता हूँ कि 1993 से लेकर 1998 तक दिल्ली की सरकार ने जो काम किए, जिसमें काफ़ी समय खुराना जी भी मुख्यमंत्री थे, शायद बाद के 20 सालों में सारी सरकारें मिलकर भी उतना काम नहीं कर पाई होंगी। और ज़्यादातर आज भी जो आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं वो सबकी या तो नींव उस समय रखी गई या वो शुरू उस समय हुए। आज ये मेट्रो आपको दिखाई देती है, आज आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स दिखाई देते हैं, आपको ये दिल्ली के अंदर कॉलेजेस दिखाई देते हैं जो नए, ये सब के सब उसी 5 साल के अंदर बनाए गए हैं। और अधिकांश चीज़ों में आप देखेंगे कि पिछले 20 साल के अंदर वही चीज़ों को लागू तो ज़रूर किया गया होगा, शायद नए प्रोजेक्ट्स जो है वही उस तरीके से नहीं शुरू किए गए।